गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ लाइव क्लास। लाइव क्लास लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा 2019 और 20 होने वाली है, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध जितनी भी प्रायोगिक परीक्षाएं होनी है वो होने वाली है, और मैं नव भारती परिवार की तरफ से आपके लिए ये लाइव क्लास लेकर के आई हूँ। लाइव क्लास लेने के पीछे उद्देश्य यही था कि आज जो वार्षिक पाठ योजना का जो फाइनल लेसन होता है उसमें बड़े बच्चे बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम टॉपिक कैसा ले, टॉपिक कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स ले। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आती है कि जो सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक है, आर्ट्स के जो टॉपिक है, उनमें बड़ा ही कन्फ्यूजन उनके सामने रहता है। उनको बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उसमें सिविक्स का पार्ट कौन सा है, इतिहास का पार्ट कौन सा है, भूगोल का पार्ट कौन सा है, या अर्थशास्त्र का पार्ट कौन सा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही है मैं आपके सामने ये लाइव क्लास लेकर उपस्थित हुई हूँ नव भारती परिवार की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट्स नव भारती ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी मेरी लाइव क्लास को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, ताकि इस वार्षिक पाठ योजना जो कि फाइनल लेसन आपका होने जा रहा है आगामी दिनों में, उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। ये लाइव क्लासेस, जैसा कि प्रेमलता मैम ने आपकी क्लास ली लाइव क्लास, उसमें आपको वार्षिक पाठ योजना के बारे में जो भी निर्देश थे वो दिए, मैं भी यहाँ पर आपको निर्देश देने जा रही हूँ। बाकी नव भारती ग्रुप के टीचर्स भी आपके सामने आएंगे और आपके सामने लाइव क्लासेस लेंगे, ताकि आप फाइनल लेसन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके, और जो बाहर से प्रवेक्षक आने वाले हैं वो भी नव भारती परिवार, नव भारती टीटी कॉलेज से खुश होकर के जाए, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो सभी इस वीडियो पर लाइव रहे। तो मैं यहाँ पर जो बताने जा रही हूँ वो ये है टॉपिक का चयन। टॉपिक का चयन कैसे करें? टॉपिक का चयन करते समय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, पहला, जिस भी टॉपिक का आप चयन करते हो उससे पहले आपको आर्ट्स के विषयों की समझ होनी चाहिए कि आर्ट्स के किस किस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और संगीत कला। ये और भी कई टॉपिक्स हैं, लेकिन नव भारती जो आपका टीटी कॉलेज है इनमें आपके आर्ट्स के ये सब्जेक्ट मौजूद है। अब विद्यार्थियों के सामने जो आपके सामने दिक्कत आती है वो ये है कि नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अर्थशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी विषय का टॉपिक लिया जाए वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसका ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो आप जैसे ही कक्षा के अंदर एंटर करेंगे आपका आत्मविश्वास आपके साथ नहीं होगा। और आपको पता है एक्सटर्नल जो सबसे बढ़िया चीज जो देखता है वो देखता है आपका आत्मविश्वास। आप क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ तभी खड़े रह सकते हैं जब टीचर में उस विषय के बारे में अच्छी पकड़ हो, अच्छी समझ हो। तो आप जो भी टॉपिक एक्सटर्नल के सामने है फाइनल लेसन में तैयार करें, उसकी गंभीर जानकारी आप अवश्य लें। उसके बाद ये आता है कि आप जो भी टॉपिक का चयन कर रहे हैं उस टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसके तीन शिक्षण बिंदु बन सके। क्या बन सके? तीन शिक्षण बिंदु जिस टॉपिक के बन सके वही ले। और ध्यान रखना, जितने शिक्षण बिंदु आप ले रहे हैं उतने ही आपके पास में क्या होने चाहिए, मॉडल या चार्ट जो है आप फाइनल लेसन में लेके जाए। मॉडल या चार्ट साथ में आप उसके साथ में लेकर के जाए, और जो भी मॉडल या चार्ट आप लेकर के जाएंगे कैसे बनाना है, कब दिखाना है, ये आप आगे की लाइव क्लास में देखेंगे जो कि संजू मैम आपको देगी। लेकिन आज मैं आपको केवल टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ
कि शिक्षण बिंदु में मॉडल और चार्ट आपको साथ में रखना चाहिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में शाम पट पर भी आपको क्या लिखने चाहिए, शिक्षण बिंदु लिखने चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, ये सब चीजें करने के बाद आपको अपनी वार्षिक पाठ योजना की डायरी बनानी है और डायरी बनाने के बाद आपको डायरी जब बनाओगे उस समय आपको ये होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बीएड जो कि आपके 2 साल की हो गई है, कितने साल की हो गई है, 2 साल की हो गई है, इसमें 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें से 1 टीचिंग सब्जेक्ट तो आपको फर्स्ट ईयर में लेना होता है और 1 टीचिंग सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में लेना होता है। तो 1 टीचिंग सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में आप ले चुके हैं वो फर्स्ट ईयर में 75 मार्क्स का होता है और सेकंड ईयर में जो आप टॉपिक है जो ये प्रैक्टिकल होने वाला है वो भी आपका 75 मार्क्स का होता है। तो ये जो टॉपिक आपके सेकंड ईयर में होने वाला है सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है आपका सब्जेक्ट क्या है। आर्ट्स में आपने कौन सा सब्जेक्ट, आपने टॉपिक ले लिया और ऐसे ही उसकी वार्षिक पाठ योजना बना दी, वो गलत है क्योंकि एक्सटर्नल ये देखेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके आर्ट्स का कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन आपको प्रकरण लेते समय, आपको टॉपिक लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक के चयन में है आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कौन सा होने के बाद आपको उस विषय की समझ करनी है, उस विषय की समझ करने के बाद में आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं, शिक्षण बिंदु लेने के बाद में आपको मॉडल और चार्ट के बारे में सोचना है। अब बात यह आती है नागरिक शास्त्र के कौन कौन से टॉपिक आप ले सकते हैं वो ध्यान से सुने क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि टॉपिक कौन कौन से ले। तो मैं आपको इस वीडियो, इस लाइव क्लास में आपको बताने जा रही हूँ, मॉडल के माध्यम से दिखाऊंगी कि आप नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं। तो आप सबसे पहला जो टॉपिक ले सकते हैं नागरिक शास्त्र में वो है आपका सरकारी योजनाएं। अब सरकारी योजनाएं आप राजस्थान की भी फाइनल लेसन का सबसे अच्छा टॉपिक है, भी जो फिलहाल जो चल रहा है सबसे अच्छा टॉपिक है सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो सरकारी योजनाओं में आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जैसे मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप इस वीडियो में ये देखिए, ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का मैंने इस तरीके से एक मॉडल आपको बनाना है और इस मॉडल के माध्यम से आपको क्लास में जब आप एक्सटर्नल के सामने जा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, तो इस तरीके का मॉडल आपको बनाना है और नागरिक शास्त्र के इस टॉपिक को साथ में नागरिक शास्त्र का जो मैंने आपको टॉपिक बनाया इसकी वार्षिक पाठ योजना बनानी है। और ये देखो पहला टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का इसने एक पूरा मॉडल बच्चे ने तैयार करना है, इस तरीके से आपको मॉडल बनाना है विद्यार्थियों। दूसरी जो योजना है वो है आपकी भामाशाह योजना जो कि राजस्थान सरकार की योजना है जिसका नाम महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना हो चुका है। ये देखो ये भामाशाह योजना का इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। ध्यान से देखिए इस लाइव क्लास के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, भामाशाह योजना का क्या बना सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा सरकारी योजनाओं में एक तो मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना और दूसरा बताया मैंने आपको भामाशाह योजना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा जो टॉपिक है आपका वो क्या है, वो है अयोध्या का मामला जो अभी लेटेस्ट मामला है और नरेंद्र मोदी साहब ने जिसका उद्घाटन भी किया है वो है आपका अयोध्या मामला। ये भी नागरिक शास्त्र का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी माना जा रहा है और इस पर आप इस तरीके से मॉडल बना करके इस तरीके से आप वार्षिक पाठ योजना में एक्सटर्नल के सामने उपस्थित होंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे, कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में उतर सकोगे। ये देखिए राम मंदिर का दिया हुआ है,
विवाद की शुरुआत राम विवाद के कारण। इस तरीके से आप सारे टीचिंग पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं और इस तरीके से आप अयोध्या मामले का टॉपिक लेकर के मॉडल तैयार कर सकते हैं, घर पर ही मॉडल बना सकते हैं, स्वयं मॉडल बनाएं ताकि आपको इस चीज की नॉलेज हो। ठीक है विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट जो सिविक्स का टॉपिक आप ले सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी हमारे समाज को देन है, उन सब के बारे में हम जितनी भी सरकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं के बारे में आप इस नरेंद्र मोदी के इस मॉडल के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके का मॉडल भी आप बना सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, अब आता है आपका, इसके अलावा सम्मेलनों की बात करें, दक्षे शिखर सम्मेलन है, आशियान सम्मेलन है, जितने भी पॉलिटिकल के बिंदु है, नागरिक शास्त्र में जितने भी राजनीति शास्त्र के पॉइंट है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये है आपका दक्षे शिखर सम्मेलन। दक्षे शिखर सम्मेलन में कौन कौन से राष्ट्र शामिल है, इस तरीके से आप अपना एक मॉडल तैयार कर सकते हैं और इस मॉडल के माध्यम से आप बहुत अच्छा एक्सटर्नल के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं विद्यार्थियों। तो दक्षेश और आसियान सम्मेलन, ये सब आप नागरिक शास्त्र के पॉइंट्स बता सकते हैं। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक है, कई ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब मैं कुछ इतिहास के टॉपिक्स की बात करूं, इतिहास के टॉपिक तो नाम से ही पता चल जाता है आपको, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कई ऐसे युद्धों के बारे में आप बता सकते हैं। और इसके बारे में अच्छा सा आपने देखा भी होगा, उदयपुर अगर आप गए हुए हो तो वहां पर महाराणा प्रताप म्यूजियम में हल्दी घाटी युद्ध का बहुत अच्छा सा मॉडल बना हुआ है। अगर आप वहां गए हुए नहीं हो तो आप नेट पे सर्च करके उस म्यूजियम में जो हल्दी घाटी का पूरा दृश्य बनाया हुआ है उसको भी आप बना सकते हो मॉडल के माध्यम से। तो आप इतिहास से संबंधित जैसे एक आप इस तरीके का मॉडल बना सकते हो। इसमें आपने देखा होगा पद्मिनी के बारे में, पद्मिनी दिया हुआ है, मध्यकालीन वीरांगनाएं, जिसमें महारानी पद्मिनी और महारानी पद्मिनी के दोहर के बारे में बताया हुआ है। इस तरीके से मध्यकालीन राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं उनके बारे में भी आप टॉपिक ले सकते हैं और इस तरीके का मॉडल तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, इसके अलावा इतिहास में आपने देख लिया मध्यकालीन वीरांगनाएं, इसके अलावा जितने भी युद्ध हुए हैं उनको ले सकते हैं, महाराणा प्रताप भी आप, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित। आपको पता है हमारे भारत में जितनी भी भौगोलिक जो स्थान है, जैसे आप सांभर झील है, जितनी भी झीलें हैं, जैसे राजस्थान की झील सांभर झील, जहां देश का सबसे जो 8.4% नमक तैयार होता है सांभर झील, तो सांभर झील के बारे में भी आप बता सकते हैं कि राजस्थान के नागौर और जयपुर जिले की सीमा पर ये सांभर झील स्थित है और इसके बारे में अपना पूरा पाठ योजना बना करके इस सांभर झील का इस तरीके से मॉडल तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों। सांभर झील का जो नमक है वो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में फेमस है, इस तरीके से भूगोल का मॉडल बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई जरूरी नहीं है आप सांभर झील हो, जैसमन झील भी ले सकते हैं, जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भूगोल के टॉपिक्स की, तो आपको पता है आपके ना केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो समस्याएं हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, ये समस्याएं रहती है, सुनामी है, चक्रवात है, इनके बारे में भी हम बना सकते हैं। एक देखिए ये मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मॉडल आपके भूकंपीय तरंगों का है, भूकंप से बचाव कैसे करें, भूकंप से हानियां क्या क्या है और भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जो आपको दी हुई है। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं। इस मॉडल के माध्यम से आप
देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको फाइनल लेसन का मॉडल तैयार करना है ताकि आप एक्सटर्नल के सामने बहुत अच्छा डेमो कर सके। इस तरीके से भूकंपीय तरंगे भी आप क्या ले सकते हैं, टॉपिक ले सकते हैं। तो इस यहां पर लिख लीजिए भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे के अलावा आप ले सकते हैं ज्वालामुखी, सुनामी और सुनामी, चक्रवात, हवाएं, ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इस तरीके से कुछ भी ग्लोब, ग्लोब के पूरी आपको संरचना, ग्लोब तो सबसे अच्छा मॉडल है, ग्लोब को भी आप इस भूगोल के अंतर्गत ले सकते हैं। अब आता है विद्यार्थियों अर्थशास्त्र वाला टॉपिक। अर्थशास्त्र में आप कई टॉपिक ले सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो है विद्यार्थियों ये है आपका व्यापारिक जोखिम। व्यापारी किस तरीके से जोखिम उठाता है, इस तरीके से आप एक मॉडल बना करके व्यापारिक जोखिम के बारे में बता सकते हैं। तो व्यापारिक जोखिम इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है व्यापारिक जोखिम। इसके अलावा आप बता सकते हैं अर्थशास्त्र में बैंकों के कार्य, बैंकों की शाखाएं, बैंकों की शाखाएं, व्यापार, विनिमय, इस तरीके के टॉपिक आप अर्थशास्त्र के अंतर्गत बना सकते हैं। फिर आता है आपका सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हमारे समाज और समुदाय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कन्या भ्रूण है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है और कई हमारे समाज की जो समस्याएं, उन समस्याओं को केंद्र बिंदु बना करके हम सामाजिक अध्ययन का टॉपिक बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन जिनमें समाज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उन सब से रिलेटेड हम जो है टॉपिक ले सकते हैं सामाजिक अध्ययन में। बच्चे इतिहास और सामाजिक अध्ययन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र के टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, नागरिक शास्त्र का मतलब है यहां पर जिसका, जिस नागरिक का नागरिक है और यहां पर मनुष्य है, मनुष्य समुदाय से लिंक है, यहां पर जो जागरूक है, मतदाता है, जो राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी रखता है, उन सब के बारे में नागरिक शास्त्र का टॉपिक आता है। और जो समाज और समुदाय में रहकर के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाया जाता है, वो सब सामाजिक अध्ययन के टॉपिक्स माने जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये है आपका जन्म मृत्यु का पंजीकरण। जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण है, किस तरीके से करवाया जाना चाहिए, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए क्या क्या आधार होंगे, क्या क्या स्थान होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में, शहरी क्षेत्र में नगर निगम में, कहां पर नगर निगम का बनेगा, ये सब एक सामाजिक समस्या है और हर समाज के नागरिक का दायित्व है कि वो अपने जन्म मृत्यु का क्या करवाए, पंजीकरण करवाए। इसके अलावा समाज में होने वाली जितनी भी हिंसाएं हैं, जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, इन सब के बारे में भी आप क्या बना सकते हैं विद्यार्थियों, वीडियो बना सकते हैं। देखो इस तरीके से घरेलू हिंसा पर भी इस तरीके का आप एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। ये आपने सारे टॉपिक्स देखे विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने आपको मॉडल दिखा दिखा करके सारे टॉपिक्स को समझाया है ताकि जो फाइनल लेसन आपका होने जा रहा है उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप अच्छे से अच्छा अपना प्रायोगिक परीक्षा, जो फाइनल लेसन आपका होने जा रहा है, वो अच्छे से अच्छा करें, इसके लिए मैंने आपके लिए ये लाइव क्लास ली है विद्यार्थियों। एक ध्यान रखना, अगर किसी विद्यार्थी के संगीत है तो संगीत में आप तत्वाद्य, घनवाद्य, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मध्यकालीन जो घराने रहे हैं, उन घरानों के बारे में, लखनऊ घराना है, इसके अलावा जितने भी नृत्य हैं संगीत कला में, उन संगीतों की धुन के बारे में भी आप इसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। तो आर्ट्स के इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, नागरिक शास्त्र के कौन कौन से टॉपिक लिए जाने चाहिए, इतिहास के कौन कौन से टॉपिक लिए जाने चाहिए, बाकी सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको ध्यान रखा। सबसे ज्यादा जो कन्फ्यूजन है सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र में है। सामाजिक अध्ययन समाज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, समाज से जुड़ी हुई सभी प्रकार की
जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का निदान कैसे होगा, जैसे घरेलू हिंसा है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, समाज के रीति रिवाज है, त्यौहार है, पर्व है, इन सबको आप, जैसे दीपावली है तो ये सामाजिक त्यौहार है, तो त्यौहार को आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जबकि आपका नागरिक शास्त्र में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार नागरिकों के लिए जो जो योजनाएं बनाती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मॉडल बनाना है, मॉडल आपका इफेक्टिव होना चाहिए कि एक्सटर्नल उसको देखे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे। जैसे ही आप कक्षा में एंटर हो, एंटर होने के साथ ही आपको कक्षा के में जो विद्यार्थी है उनसे परिचित होना है, परिचित होने के बाद अपना प्रकरण लिखना है, प्रकरण लिखने के बाद में आपको प्रश्न पूछने हैं, वो आपको मैम ने बता दिया। अब मैं इस वीडियो में जो मेरा मेन मोटिव यही था कि आपके टॉपिक का चयन कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया है। आगे के वीडियोस की लाइव क्लास में आप देखेंगे कि मॉडल जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, ये सारी चीजें आप आगे की लाइव क्लास में देखेंगे। इस लाइव क्लास में मैंने आपको टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए, आर्ट्स के किन किन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मैंने टॉपिक आपको मॉडल के माध्यम से समझाए हैं। ये मेरी लाइव क्लास तभी सक्सेसफुल होगी जब आप मेरे इस लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयरिंग करें, और अगर आगे के अपडेट्स आपको चाहिए तो आप नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए, ताकि आप आगे भी इसी तरीके से लाइव क्लास लेते रहेंगे। और हमारा जो प्रयास है कि आपको कोरोना वायरस के चलते हुए जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि आप पढ़ नहीं पाए, कि लाइव क्लास आपको वार्षिक पाठ योजना में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने ये लाइव क्लास ली है, ताकि आप एक्सटर्नल के सामने जाने के बाद ये नहीं लगे कि आपने तैयारी नहीं की है। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको वार्षिक पाठ योजना के लिए तैयार करने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये लाइव क्लास हम लेकर के आए हैं। तो मेरे लाइव क्लास से ज्यादा जुड़े, इसी आशा के साथ मैं आज की लाइव क्लास यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे की लाइव क्लास को देखें, ध्यान से विद्यार्थी सुने, और कमेंट्स दे, लाइक्स दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें विद्यार्थियों। धन्यवाद।